more delicious recipes, subscribe Sara's Kitchen. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साराज किचन और आज मेरे किचन में आपके लिए बकरा ईद के लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम बनाएंगे मटन रोस्ट। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर मैं मटन रोस्ट जो बना रही हूँ, मैं इसके लिए छोटे पीसीज ही ले रही हूँ, लेकिन अगर आप बड़े भी लेना चाहें तो बड़े ले लें, लेकिन फिर आप उसमें थोड़ा सा ये करें, अगर बहुत बड़े पीसीज हों तो कांटा लेकर उसकी मदद से आप उसमें छोटे छोटे सुराख कर लें ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है उसके अंदर चला जाए। तो आप मैं यहाँ पर 700 ग्राम मटन ले रही हूँ। तो उसके लिए जो चीज़ें हमने यहाँ पर लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें मैं सबसे पहले जो चीज़ ऐड करूँगी, मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। उसके अलावा इसमें जाएगा, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लीमू था, अगर आपके पास छोटे हों तो आप दो ले लें, लीमू का जूस जाएगा इसके अंदर। बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो 1 टीस्पून जाएगा। सोया सॉस इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और सिरका जो इसमें जाएगा वो जाएगा 1 टेबलस्पून। लीमू का जूस भी आप इसमें ऐड करें और सिरका भी, 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा। और नमक इसमें मैं इसमें डालूँगी 3/4 टीस्पून, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, तमाम चीज़ें मटन के अंदर मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से मटन के अंदर मिक्स किए हैं। अब मैं इसको 1 घंटा रेस्ट दूंगी और 1 घंटे के बाद हम इसकी कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे 1 घंटे के लिए चाहे फ्रिज में रखते हैं या बाहर रखते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। गोश्त की भी आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इसमें हड्डी वाला भी ले लें, चाहें तो बिल्कुल हड्डी के बगैर ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है गोश्त को रखे हुए, अब इसकी कुकिंग को हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी का ऐड किया है। पानी जो है वो गर्म हो चुका है इसके अंदर, आप देख रहे हैं इसमें बबल भी आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर ये जो मैंने मटन रखा था इसको इसमें ऐड करेंगे। जिस प्याले में हमने मटन रखा था उसमें भी पानी इस तरह थोड़ा सा डाल के और ये भी इसी में ऐड कर देंगे, ताकि तमाम जो इसके जूसेस वगैरह हैं इसी के अंदर जाएं। तो इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगी जब तक कि ये गोश्त जो है अच्छी तरह से गल ना जाए। आप अपने टाइम के हिसाब से देख लें कि जितनी देर में आपके यहाँ गोश्त गलता है उतना टाइम लगा दें। मैं इसको 12 मिनट लगाऊँगी, तो क्योंकि ये पहले भी मैं पका चुकी हूँ इसी गोश्त को, तो ये इतना ही टाइम लेता है। 12 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको मैंने गलाना है, अभी इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, बाकी काम बाद में करेंगे, पहले इसको कुकर लगाते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं लगा रहे हैं तो आप इसी तरह से रख दें हल्की आँच पर, जितनी देर में भी ये गल जाए 40-45 मिनट जितने भी लगें। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 12 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोला है, गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया है। तो अब इसमें आप इस पॉइंट पे चाहें तो आप इसके अंदर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल ही डालूंगी और बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। तकरीबन इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं डालना हमने, बहुत थोड़ा सा डालना है। मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए हैं, बस अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से चला चला के चम्मच को इसको पकाएँगे और फिर इसको मैं डिश आउट करूंगी। और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको भून लेना, लेकिन छोड़ना नहीं है आपने चम्मच को, ये नीचे ना लगे। इसी ऑयल में इसको हम घुमाते रहेंगे थोड़ी देर, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना। तो यहाँ 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
तो ये लीजिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मटन रोस्ट बनके तैयार है, और ये यकीन करें बहुत ही अच्छा बना है। बहुत सिंपल सी इसमें हमने चीज़ें डालनी हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसे बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।